हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खनेर और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ राजस्थान एलडीसी मैथ्स। और आज हमारा टॉपिक है न्यू एंड फ्रेश टॉपिक, लॉगरिथम पढ़ने वाले हैं। तो सब लोग जुड़ जाइए, सब लिख के भेजें कि यस सर हम जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज मैं आपको लॉग एक अलग तरीके से बताने वाला हूं। और तरीका क्या है? तरीका वो तरीका है जिससे आप हर चीज़ को पहले समझेंगे कि ये आया कैसे, आपके जो जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वही सब कुछ है। बस मैं आपको साफ कह देना चाहता हूं, जो आपको मैं अभी यहां पोस्टुलेट लिखाऊंगा, जो परिकल्पना लिखाऊंगा, वही आपका सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, तो बस आप ध्यान दें, पूरी चीजों पे ध्यान दें, ठीक है गाइस? चलिएगा, बहुत बढ़िया, सब लोग जुड़ जाएं और अच्छे से मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे। हर एक चीज को समझना, पहले समझना, उसके एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए। यस रेडी? यस यस ओके। तो देखो दोस्तों, जब भी लॉग की बात की जाती है ना, ये लॉग है आपका, ये लॉग क्या है? एक फंक्शन होता है। लॉग क्या है? एक तरीके से फलन है, ठीक है। ये लॉग की जरूरत पड़ी कब? जब हमारे पास a की पावर x बराबर b था, मतलब ये एक फंक्शन था। अब ऐसी कोई आदमी आया और a की पावर x बराबर b लिख दिया। अब इस फलन को हम क्या कहते थे? घातीय फलन कहते थे। घातीय फलन होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। अब यहां पे a और b आपके क्या हैं? कांस्टेंट हैं, अचर हैं, लेकिन x का मान हमेशा निकालना पड़ता है, आपको पता है। तो जब इस फलन को सॉल्व करने की बात आई तो किसी ने कहा कि यार ये डायरेक्टली ऐसे सॉल्व नहीं हो सकता। किसी ने कहा कि x का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको x बटे a बराबर b होता तो x बराबर a भी कर देते। ये तो पता है सबको, भाई डिवाइड कर देते। लेकिन अगर x के ऊपर पावर लगी हो, a के ऊपर x की पावर लगी हो और x का मान निकालना हो तो बड़ी दिक्कत आ जाती है ना। तो यहां पे जब इस फलन की, लॉगरिथम फलन की सोचा गया, गणना की गई, कैसे निकाला जाता है, क्या किया गया, सुनिए मेरी बात, ठीक है। तो मैं ये कह देता हूं, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। दोनों तरफ जब लॉग ले लिए, लॉग a की पावर x बराबर b, ये कर दिया भाई साहब मेरे दोस्तों, क्या कर दिया? लॉग a की पावर x बराबर b कर दिया यहां पे, ठीक है। अब आप जानते हैं भली बाती, लॉग मैंने यहां पे लिया है तो मुझे दोनों तरफ लॉग लेना अनिवार्य है, क्योंकि जब मैंने लॉग यहां पे लिया है, लॉग यहां पे लूंगा। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आपके इधर साइड लॉग है और इधर की साइड लॉग है तो ये वाला फलन और ये वाला फलन बराबर होता है। एक कंसेप्ट पूरा करवा रहा हूं, दिमाग से सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने क्या देखा है कि जब मेरा लॉग, मैंने भाई जब ये फलन था मेरे पास, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको मुझे सॉल्व करना था, तो मैंने लॉग लॉग फंक्शन इसको हल करवा सकता है क्योंकि मुझे x का मान निकालना है। तो मैंने लॉग इधर ले लिया, जब मैंने इधर की साइड लॉग ले लिया तो मुझे अनिवार्य रूप से लॉग इधर भी लेना पड़ेगा, ले लिया। अब जब हम जानते हैं, जब लॉग की हम पढ़ेंगे ना, फॉर्मूले पढ़ेंगे, जो भी इसकी इसकी जो होती है, टर्म्स होती है वो पढ़ेंगे, तो जब a की पावर x होती है तो जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो x log a, x log a बराबर log b, x log a बराबर log b हो जाएगा भाई, पावर है वो आगे आ जाती है। अब मैं log a को यहां ले जाता हूं नीचे, log a को डिवाइड कर देता हूं, तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा? log b अपॉन log a। और ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई लॉग आपस में डिवाइड हो जाएं तो x का मान क्या हो जाएगा? लॉग b और a। हम समझ लें इस बात को कि x बराबर लॉग b a कैसे आया इससे, तो आप डायरेक्ट इस चीज को समझ सकते हैं। हां, योगेंद्र सिंह राठौड़ मेरे भाई, क्लास स्टार्ट हुई है अभी से ही बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो तो सही, पिक्चर स्टार्ट तो होने दो, आपको कैसे पता लग जाएगा कि क्लाइमेक्स क्या है पिक्चर का? समझ रहे हो, स्टार्ट हुआ है, समझो। मैंने यहां पे लॉग लिया है आपका, तो ये फलन निकालने की बता रहा हूं मैं आपको, कि ये फलन का एक्स का मान निकालने के लिए लॉग की खोज की गई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो जो इसमें घातांक होता है ना, घातांक, घातीय फलन, उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बस इतनी सी बात समझ लो। सर अब घातीय फलन को कैसे समझेंगे? अब मैं आपको अपने तरीके समझाने वाला हूं कि पहले आपको समझना पड़ेगा कि घात के रूल कैसे होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, घात के नियम लिखा रहा हूं, जल्दी से लिख लेना क्योंकि फिर आगे इन्हीं से ही चीजें निकलती आएंगी। घातांक के जो होते हैं, ठीक है, इंडाइसिस, सड्स एंड इंडाइसिस, ठीक है,
तो सर्स और पावर के जो नियम होते हैं वो लिखिए, और आप सबको पता होगा भली भांति, अगर अगर घातांक के नियम की अगर बात करें, ठीक है, अगर मैं घातांक के नियम की अगर बात करूं तो आपको इतना पता है कि अगर मैं a की पावर m की पावर n करता हूं, a की पावर n की पावर m करता हूं, भाई पहले मेरे पास ये फंक्शन था, इसकी पावर मैंने n किया, तो मैं इसको क्या लिख देता हूं, a की पावर m n। मतलब कहने का कुल मिला के ये है कि अगर किसी भी बेस के ऊपर घात के ऊपर घात हो तो आधार के ऊपर दोनों की घातों का गुणा हो जाता है। बात समझ में आई? अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किसी भी बेस के ऊपर घात हो तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है, सिमिलर चीज आपकी लॉग में भी चलने वाली है, टेंशन मत लें, हर एक चीज समझाऊंगा, लेकिन घातांक के नियम जरूरी हैं, इनसे ही आप लॉग समझ पाएंगे, ठीक है। चलिएगा, अगर इसका एग्जाम्पल दूं, मैं इसका एग्जाम्पल के तौर पर लिखूं कि 3 की घात 9 है, 3 की घात 9 है, ये लिख दिया मैंने। आपको अगर एग्जाम में ऐसा आ गया कि 3 की घात 9 दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए, मैं इसको ये लिख सकता हूं ना, 3 की पावर 3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, मैंने गुणा करके पहले ही रख रखा है, मतलब मैंने m इंटू n पहले ही लिख रखा है, मैंने m और n को तोड़ दिया 3 और 3 में। अगर किसी आधार समान है, देखो बेस समान है ना, 3 और 3 दोनों बेस समान है, तभी संभव है कि अगर 3 की पावर हो तो 3 3 9 मतलब आपस में गुणा हो जाता है। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है, अब चीजें समझते रहो, ठीक है। अब मैं आगे बताना चाहता हूं, अगर मैं ये लिख देता हूं एक एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल ले लिख देता हूं 5 की घात 5, 5 की घात में 5 लिख देता हूं, तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूं √5 की घात 10 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ। ये 5 की घात 5 को मैं √5 की घात 10 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि ये क्या है पता है आपको क्या है? सुनो, ये है आपका 5 की पावर 1/2 की पावर 10, यही तो है। 5 रूट क्या होता है? पावर 1/2। तो मैंने क्या किया, जब 5 के ऊपर 1/2 पावर है और उसके ऊपर भी घात है, तो घात आपस में गुणा हो जाएंगी, तो 5 की पावर 10 × 1/2 मतलब 5 की घात 5, और यही तो है, यही तो चीजें हैं। तो दोनों चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ, तो सीधी सी बात है, लॉग में घातांक का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। कैसे होता है, क्या होता है, सब मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों क्लास एक भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि अगर अभी आपने छोड़ दिया ना तो लॉग नहीं समझ में आ सकता, मेरे ऊपर ब्लेम मत करना। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर इस पूरी क्लास को अटेंड कर लिया, जिंदगी में लॉग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बस भरोसा रखिए। यहां तक क्लियर है सबको? चलिएगा, अब फटाफट से और रूल पढ़ते हैं, ये नियम लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, आगे इनका क्या यूज है सब आ जाएगा समझ में, बस सब्र करो, है ना। चलो देखते रहो, समझते रहो, अब आगे क्या चलता है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आधार समान है और दोनों आधार समान का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब a की पावर m गुणा a की पावर n हो रहा है, a की पावर m गुणा a की पावर n हो रहा है, तो यहां आप कह सकते हो कि आधार आपका a ही रहेगा और घाते आपस में जुड़ जाती हैं, घाते आपस में जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार a की पावर m बटे a की पावर n हो जाएगा, तो आधार आपका a ही रहेगा, समान है ना, बस घातें आपस में घट जाती हैं, m माइनस n हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर हो रहा है? चलिएगा, देखो मैं जो ये चीज लिखा रहा हूं ना, ये घातांक का है, लेकिन log भी ऐसा ही है, सेम चीज लगती है log में। क्यों लगती है पता है? क्योंकि मैंने बताया है ना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हल करने के लिए ही log यूज किया गया, और जो लोग समझते हैं वो समझ जाएंगे कि अगर मैं इसका लॉग ले लेता हूं तो ये बहुत आसानी से वही नियम निकल जाएगा जो मैं भी निकालना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको हर तरीके से समझाऊंगा, बस चीजें समझते रहो, आपको बहुत बेहतर क्लियर चीज मिलेगी, बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे जो कि आप समझ पाओगे। चलो अब मैं आपसे बोलता हूं कि अगर एक एग्जाम्पल देता हूं, x की घात 6 × x की घात 5, तो ये कितना बन जाएगा जल्दी से बताओ। और मैं आपको दे देता हूं एक, इसके लिए बता देता हूं एक एग्जांपल जिससे कि आप क्लियर कर पाओ, x की घात 18 × x की घात 19, तो इसका मान क्या होगा? तो दोनों एग्जांपलों की जिससे कि आपकी ये जो आपके नियम है, जो आपका रूल है, जो आपका फॉर्मूला है, वो आपका क्लियर हो जाए। ध्यान से करते रहना, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है, माइंड में फिट है ना सर, ये तो बहुत बढ़िया मजा आने वाला है। तो देखिए मैं ये कह दूं, जब आधार समान है, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं,
आधार समान है और समान ही रहेगा, चिंता मत करो। ये मत कहना कि सर असमान हो गया तो नहीं लगेगा वो चीज नियम। तो x की घात आधार समान है तो आपस में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ क्या कह दोगे कि सर x की घात 11 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है माइनस वन, तो x की घात माइनस वन मतलब एक बटे एक्स, x की घात माइनस वन मतलब एक बटे एक्स। या मैं ये कह दूं कि 18 घात से 19 घात काटोगे तो एक घात बचेगी, वो कि नीचे बचेगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर हो रहा है, चलिएगा। तो x की घात माइनस वन को एक बटे एक्स लिख सकते हैं, यहां तक क्लियर है। चलिए ये दो नियम हो गए, अब अंतिम में एक दो नियम पे और चलते हैं, बहुत ही शानदार नियम है, बहुत मजा आएगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत मजा आएगा, देखो अब मैं बताता हूं आपको। 2 की पावर अगर 15 दे रखा है, 8 की पावर अगर 3 प्लस एक्स दे रखा है, तो एक्स का मान निकालो। ये भी लॉग का ही प्रश्न है, लॉग का ही प्रश्न है। कैसे, मैं यहां बोल देता हूं यहां लॉग लगा दो, और मैंने बोल दिया यहां लॉग लगा दो, अब ये आपका ये प्रश्न बन गया, इसका आंसर दो, कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, बस दिमाग का खेल है। मैंने हमेशा बोला है, हर क्वेश्चन करवाऊंगा घातांक ही लॉग है, बस हमें प्रूव करने की देर है, सब चीजें समझ में आएंगी, बस जुड़े रहो प्यार से, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, मैंने आपको बताया था एक चीज अभी, है ना, बताई थी ना थोड़ी देर पहले कि लॉग तो हम ले सकते हैं, और जब भी जब सामने आमने सामने वाले फलन बराबर हैं तो लॉग को हम काट भी सकते हैं। तो मेरे पास ये आया 2 की पावर 15 बराबर 8 की पावर 3 प्लस एक्स। मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है जब बराबर होगा, हमेशा याद रखना कि इसको इसका एक्स का मान निकालना है मुझे, तो ये जो बेस है ना बराबर होना चाहिए, ये जो बेस बराबर होना चाहिए, लेकिन सर बराबर तो है ही नहीं, यहां पे 2 है यहां पे 8 है, लेकिन 8 को आप 2 की पावर में लिख सकते हो ना, तो क्यों ना लिख देते हैं। तो मैंने यहां 2 की पावर 15 को 2 की पावर 15 लिख दिया, 8 को मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 3 प्लस एक्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या बन गया, देखो m की पावर n मतलब घात के ऊपर घात, तो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं 2 की पावर 15 बराबर 2 की पावर 9 प्लस 3x, मैंने 3 का गुणा कर दिया, 3 × 9 और 3x, ठीक है। अब प्यारे भाइयों प्यारे दोस्तों यहां देखिए, जब बेस समान है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो और लिख लेना भी, अगर इस कॉपी में लिखना चाहते हो तो, अगर आपके आधार समान हैं तो घाते भी हमेशा बराबर ही होनी चाहिए, अगर आपके आधार समान हैं तो इनके ऊपर घातें भी बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, 15 बराबर 9 प्लस 3x, और 9 मेरा यहां चला जाएगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 3x बराबर 6, और x का मान मेरे पास आ जाएगा 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार कंसेप्ट बता रहा हूं, आगे इतने सारे क्वेश्चन करोगे मजा आ जाएगा। बस अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपको चीजें समझाना मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं आपको समझाना चाहता हूं। हां प्रियंका संगोरा कह रही हैं कि सर क्या इस सिलेबस में है, तो मेरे प्यारे भाइयों अगर कोई ऐसे डाउट पूछता है तो आप कमेंट बॉक्स में देख के उसको जवाब दे सकते हैं। मैं पढ़ाने में बाधित नहीं होना चाहिए क्योंकि कंसेप्ट टूट जाता है बीच में, कड़ी नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब एक अगला प्रश्न दे रहा हूं, उसका आंसर आप सब लोग देंगे। अगला प्रश्न का आंसर आप सब लोग देंगे और आप सीख चुके हैं, लगभग सीख चुके हैं। अब चलिएगा, विश्वास नहीं होता तो देखते हैं अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग। मैंने दे दिया log 15 की पावर 32 बराबर log 225 की पावर 18 प्लस एक्स, तो आपको x का मान निकालना है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों निकाल के बताओ, मैंने अभी आपको log पढ़ाना भी स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन आप log का आंसर दे पाओगे अब, ये मेरी गारंटी है। और आगे आगे देखो होता है क्या, चलो जिनको समझ में आ गया वो आंसर दे पाएंगे। इसका आंसर दो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत मजा आएगा, ये विश्वास रखो। बस ये प्रश्न देखा मैंने, मेरे पास ये चीज आ गई। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब लॉग दोनों तरफ हो तो आप काट सकते हो, भाई इसके पास कोई फलन नहीं है, आमने सामने तो हैं, तो काट दो ना, क्या फर्क पड़ता है। तो आपका क्या बन गया, 15 की पावर 32 बराबर 225 की पावर 18 प्लस एक्स, ठीक है, यही है ना।
मैं ये कह देता हूँ कि 225 क्या है, मुझे तो बेस समान करने हैं ना, क्योंकि सर ने कहा था जब भी जब आप x निकाल रहे हो तो आपका ये पहला नियम होना चाहिए कि मेरा आधार समान होगा तभी तो मेरी घाते बराबर होंगी, मेरा बेस इक्वल होगा तभी तो मैं घाते इक्वल कर पाऊंगा। तो मैं 225 को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे का ऐसा लिखता हूं, बराबर ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर की पावर 18 प्लस x। अगर घात के ऊपर घात हो तो वो गुणा हो जाती है, अभी बताया था। तो मैं ये कह सकता हूं कि 32 बराबर, मैंने दोनों घातों को बराबर कर दिया क्योंकि मेरे बेस बराबर हैं, तो 32 बराबर 18 दूनी 36 प्लस 2x, 36 प्लस 2x। तो मैं यहां कह सकता हूं कि माइनस 4 बराबर 2x और x बराबर आ जाएगा मेरा माइनस का 2। x बराबर मेरा कितना आ गया, माइनस का 2। मेरी भाइयों क्लियर हो रही है मेरी बातें, सीख गए ना, इस तरीके का प्रश्न आपका पिछले सालों में पूछा गया है और आप इसका आंसर निकाल पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ये बड़ी बात है। क्लियर है, चलो मुझे बताओ सारी चीजें क्लियर हैं। और देखो अब कितना आसान लगने लगेगा सब कुछ, क्योंकि जब मैं अब नियम लिखाऊंगा ना लॉक के, आप कहोगे कि सर हमें पता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब देखा देखा लगेगा। चलते हैं नियमों पर, समझते हैं। फिर आपको ये याद रखना है कि पूरी वीडियो में कहीं छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं आपको कराने वाला हूं वो संभावित सारे प्रश्न जो आपके परीक्षा में आएंगे, बस ये याद रखना, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो इस चीज की, चलिएगा ठीक है। हाँ तो अब मैं आपके सामने चीजें रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना सब। तो अब आपके सामने चीजें हैं, अगर मैं ये कहूं आपसे कि इसमें कोई दोहराया नहीं होगा, कि अगर लॉग लॉग अकेला है, अगर लॉग आपका अकेला है, ठीक है, अगर लॉग आपका अकेला है तो इसका जो बेस होता है वो 10 होता है। पहली बात लिख लो, पहली बात लिख लो, अगर आपका लॉग अकेला है, लॉग अगर अकेला है, साधारण लॉग है, तो उसका बेस 10 मानते हैं और होता 10 है, ठीक है ना। अगर नहीं दिया गया है, अगर आपको दे दिया है 3 दे दिया है तो 3 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है तो अकेले लॉग का बेस क्या होता है, हमेशा 10 होता है। ये बात समझ ली, पहला नियम, ये पहला नियम है, ठीक है, चलिएगा। अब मैं अगले प्रश्न, अगले नियम की तरफ चलता हूं। पहला नियम मैंने लिखा दिया है, लिख लेना, ठीक है। दूसरा नियम देखें, अगर लॉग ए ए हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है, जैसे कि समान होना चाहिए। मतलब मैं लिख देता हूं लॉग 16 16 क्या होगा, लॉग 50 50। हमेशा याद रखना, अगर दोनों समान हैं ऊपर नीचे तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। इसका मान कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। चलिए जल्दी जल्दी से करें, है ना। तो लॉग ए ए अगर बराबर हो जाएं तो हमेशा 1 होता है, दोनों मान बराबर हो तो, ए ए बराबर हो तो कभी भी जिंदगी में आ जाए तो 1 लगाएंगे। ये क्या उपयोगिता है मैं बताने वाला हूं, ठीक है, सारी उपयोगिता मैं बताने वाला हूं, डोंट वरी, टेंशन ना लें, ठीक है गाइस, चलिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपनी अगली चीज पे। अगर मैं आपसे ये कहता हूं लॉग 1 का मान कितना होगा, ये क्या है, लॉग 1 है, लॉग 1 का मान, मैं 10 को भी हटा दूं ना तो आप तो समझ सकते हो ना अब तो, कि भाई 10 तो बेस होता है अगर अकेला लॉग हो तो। लॉग 1 का मान कितना होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, लॉग 1 का मान कितना होगा, लॉग 1 का मान 0 होता है, हमेशा याद रखना, लॉग 1 का मान हमेशा 0 होता है, चाहे जिंदगी में कभी भी आ जाए लॉग 1 का मान 0 ही रखना है आपको, ठीक है, चलिएगा, ठीक है। प्रूव करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताऊं क्यों, प्रूव करना आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपको ये सीधे याद रखने हैं तभी प्रश्न हो पाएंगे गाइस, है ना, प्रूव करना नहीं पूछेगा, समझ रहे हो मेरे दोस्तों। तो ये लॉग 1 का मान 0 होता है, अभी प्रश्न करेंगे तब मजा आएगा, देखना है ना। चलिए अब अगली थ्योरम क्या है, अगली थ्योरम आपकी है कि अगर मैं आपको लिख देता हूं लॉग लॉग m गुणा n, लॉग m गुणा n बराबर क्या लिखोगे, लॉग m प्लस लॉग n, ये लिख लो फटाफट से, इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर देना मुझे, ठीक है। मुझे लॉग 80 का मान निकालना है, लॉग 80 का मान निकालना है, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, मुझे लॉग 80 का मान निकालना है, कैसे निकालूंगा सब मैं बताने वाला हूं आपको। इससे पहले एक तो ये याद रख लो और एक ये देखो, तरीके बताऊंगा सारे, बस देखते जाओ, तमाशा देखते जाओ।
अगर मैंने कहा मेरे पास log है, log a m की पावर n है, मैंने यही बोला ना आपसे, log a की m की पावर n है, मतलब m के ऊपर पावर है, तो ये पावर आगे खिसक जाती है बस, तो आपका ये क्या हो जाता है, n log a m। मैंने क्या किया, बस जो ऊपर जो परेशान करने वाला है उसको आगे भेज देते हैं, भाई तू आगे बैठ, मतलब ये एक तरीके से गाड़ी चल रही है, अगर गाड़ी के ऊपर n बैठा है तो गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी, तो अपने क्या कहेंगे घर वाले कि यार इसको आगे बैठा दो ना, तो वही बात है, एडजस्टमेंट करना है, याद रखने का तरीका है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो यहां पे आप क्लियर कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, अब इसको कैसे देखेंगे, कैसे करते हैं इसको, तो मैंने देखा log 80 का मान निकालना है, तो यार मैं इसको तोड़ सकता हूं log 16 पंजे 80 में, अब यहां पे मेरे पास क्या बन गया, log m गुणा n, log m गुणा n वो क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं log 16 प्लस log 5, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मुझे आपको बताया हो कि log 2 का मान मुझे दिया गया हो, log 2 का मान है 3010, ये आपको परीक्षा में दिया गया होगा, log 2 का मान 3010 होता है, ठीक है, तो आपको मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, विश्वास करो बहुत मजा आएगा। मैं अब 2 का मान दिया है, अब आप 16 को क्या लिखोगे, 16 को लिख क्या सकते हो ये बताओ मुझे, तो आप कह दोगे कि सर मैं 16 को लिख दूंगा 2 की घात 4, ठीक है, 2 की घात 4। अब वही बात है, जब घात ऊपर आ जाती है तो वो उसको आगे खिसका दो, तो मैं यहां लिख सकता हूं उसको 4 log 2, तो मैंने इस 16 को क्या कर दिया, 4 log 2, कैसे लिखा, क्लियर है सबको, 4 बफरिंग हो रहा है, ओके गाइज, वन सेकेंड गाइज, ओके गाइज, अब नाउ ओके प्लीज थम्स अप कर दें सब लोग, अब सब ठीक है ना, मैं दोबारा से बता दूंगा, कोई बड़ी इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं दोबारा से बता दूंगा, ध्यान से देखें इसको, मैंने क्या किया है ये ध्यान से देखें, मैंने 80 को इस वाले फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए मैंने m इंटू n में इसको ब्रेक कर दिया 80 को, कैसे, 16 × 5 में। अब आपका प्रश्न मेरे से ये होगा, हाँ मुझे बताएं सब कुछ ठीक है ना, हाँ ठीक है, मैं ये कहता हूं, अब आपका प्रश्न मेरे से क्या होगा कि सर आपने 16 × 5 में क्यों तोड़ा, होगा ना, आप सर 10 × 8 में भी तो तोड़ सकते थे, जी बिल्कुल मैं तोड़ सकता था, और दोनों का मान ही सेम आता, दोनों का मान सेम आता, और उल्टा ये आसान होता तो दोनों से हम आंसर निकालेंगे, बहुत मजा आएगा, देखो चीजें हमेशा सीखते चलो, देखो कैसे करना है, लॉग 16 × 5 किया मैंने पहले, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लॉग एम और लॉग एन लिख दिया ना मैंने, 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की घात 4, तो 4 मेरा आगे आ जाएगा इस वाली पावर से, अगर m के पावर n हो तो n आगे आ जाता है एडजस्टमेंट के लिए, तो मैं यहां कह दूंगा कि 4 log 2 मेरा हो जाएगा और ये log 5 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, यहां पे आप log 2 का मान रख सकते हैं, अब आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सही मानता हूं इस आंसर को, और है भी, आपका प्रश्न मेरे से ये होगा कि जी बिल्कुल आप यहां मान रख दीजिए आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर 10 × 8 भी तो कर सकते थे, करो ना, तो किसने कहा है, इससे ज्यादा आसान हो जाएगा, देखो कैसे, देखो अब देखो इसी प्रश्न को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे, आपके कहने पर 10 × 8 पे करता हूं मैं, तो देखो कितना आसान हो गया मेरा, कितना आसान हो गया, जल्दी से देखो, मैंने देखा लॉग एम मतलब लॉग 10 प्लस लॉग 8, यही होगा ना, log 10 प्लस log 8,
और आपको पता है जब अकेला लॉग होता है तो उसका आधार कितना होता है, जल्दी से बताओ कितना होता है, अकेले लॉग का आधार 10 होता है, और जब दोनों आ जाएं तो क्या होता है, दोनों समान आ गए आधार और ऊपर, तो आप कह दोगे कि इसका मान 1 होता है, 1 प्लस लॉग 8 को क्या लिख सकते हो, जब लॉग 2 दे रखा हो तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 3 लिख सकते हो, 3 आगे ले आओ तो मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस 3 लॉग 2, ये भी आपका आंसर सही है, तो 1 प्लस 3 लॉग 2 आंसर हो जाएगा, और 1 प्लस 3 और लॉग 2 का मान कितना दे रखा है, 30 10, तो ये मैं यहां रख दूंगा 30 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.9030, क्लियर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। देखो हमें सब हार्ड बताऊंगा, टेंशन मत लो, पहले मैंने ये समीकरण को यूज किया है यहां पे, दोनों समझ में आ गए या आए या नहीं आए पहले ये समझ लो, क्योंकि इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन बड़े बड़े बनेंगे, मैं करवाने वाला हूं। पहले देखो इसको तोड़ना समझ में आ गया कि मल्टीप्लीकेशन होता है तो दो दो चीजें जुड़ जाती हैं, तोड़ा तो मतलब बीच में प्लस लग गया और इसके साथ चला गया, ठीक है। और क्या होता है, अगर घात हो, दो की घात 3 है तो घात आगे आ जाती है, तो 3 आगे आ गया आपका, 3 लॉग 2 बन गया, ठीक है ना, और लॉग 10 और 10 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 10 और 10 ही नहीं, आपके अगर समान चीजें हैं, अगर लॉग 6 और 6 है तो वो भी 1 ही होता है, लेकिन बराबर होना चाहिए, और 10 के साथ क्या फायदा है कि ऑलरेडी इसका बेस 10 होता है, क्लियर है, चलिएगा आ गया समझ में। ओके गाइस, अब आपके सामने बहुत सारी चीजें और ज्यादा क्लियर होने वाली हैं, जैसे कि मैं आपसे अब प्रश्न पूछ लेता हूं, ऐसे ही जनरली मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, लॉग 1000 का मान कितना होगा, लॉग 1000 का मान कितना होगा, जल्दी से बता दो, चलो सब लोग बताओ, मैं अगर आपसे प्रश्न पूछता हूं लॉग 10000 का मान कितना होगा, बताओ, बहुत ही आसान प्रश्न है, और किस पे है ये, किस पे आधारित है, इस वाले फॉर्मूले पे आधारित प्रश्न है, दिमाग लगाओ और आंसर दो, और ये बहुत ही आसान है, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि टफ दे रहा हूं, टफ मैं कराऊंगा, लेकिन देखो हमेशा किसी भी स्तर को नीचे से स्टार्ट किया जाता है, घर बनना ऊपर से स्टार्ट नहीं होता, नींव से होता है, मैं नींव मजबूत कर रहा हूं, घर इतना शानदार बनाएंगे कि दुनिया देखेगी आके, ठीक है ना, तो बस याद रखो, चीजें क्लियर करो, तो यहां पे आपको पहले मैं बताऊंगा कैसे और डायरेक्ट मैं बताने वाला हूं, तो मैं लिख सकता हूं इसको लॉग 10 की घात 3, तो मैंने आपसे क्या बोला, अकेला लॉग होता है तो इसका बेस कितना होता है, 10 होता है, तो मेरा तो फायदा हो गया। अब मैं क्या करता हूं, लॉग a की पावर m की पावर n हो तो ये 3 क्या होता है, आगे आ जाता है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ रहा है गाड़ी का, तो 3 आगे आ जाएगा, 3 लॉग 10 और 10, और इसका मान हम जानते हैं 1 होता है, तो 3 × 1 इसका मान हो जाएगा 3, तो मैं ये कह सकता हूं अगर लॉग के पीछे जितनी भी जीरो आएंगी, यहां पे कितनी जीरो, 1, 2, 3, 4, तो इसका मान 4 हो जाएगा, कैसे, 10 की घात 4 है तो 4 आगे आ जाएगा, और 10 और 10 1 बन जाएगा, क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 और 4 आपका आंसर आ गया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पता है आपको बहुत चीजें सिखाने जा रहा हूं। अब अगले एक देखो, एक एक फॉर्मूला बहुत कीमती है, कीमती मतलब बहुत कीमती, काम आएगा, मजा आएगा, देखना बस, क्वेश्चन आप सारे कर पाओगे, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और कल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूं जो परीक्षा में आएंगे, क्लियर है ना, तो बस जुड़े रहो, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहो, मुस्कुराते रहो बस, ठीक है, और शायरी वायरी लास्ट में, ठीक है ना गाइस, चलेगा, तो बस अब चलते हैं अपने एक और थ्योरम की तरफ, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी फॉर्मूले हैं, ये आपको पता है, जबकि लॉग ए अगर m डिवाइडेड बाई n हो तो m डिवाइडेड बाई n मतलब इसके अंदर ही कोई दोनों संख्या डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, log a मतलब देखो बेस तो समान रहेगा, log a m माइनस log n a, ठीक है ना, तो भाई a लगाओ चाहे मत लगाओ, नहीं लगाओगे तो 10 माना जाएगा, लगाओगे तो लगा लो क्या है, लेकिन समान रहेगा, ये माइनस हो जाते हैं अगर डिवाइड में हो तो, घातांक का ही नियम है, वही मैं बता रहा हूं, ठीक है, घातांक का ही नियम है, वही मैं बता रहा हूं, ये क्लियर हो गया, इस पे अब क्वेश्चन हो जाए, इस पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन करते हैं इस पे। मैंने आपसे कहा लॉग 5 का मान निकाल दो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप कहोगे कि सर कैसे निकालें, बताओ बताओ कैसे निकालें, लॉग 5 का मान निकालो, तरीका मैं बता देता हूं आपको, लॉग 2 का मान दे रखा है मैंने 0.3010, चलो निकालो, कोशिश करो आंसर आएगा, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन आपको पता है क्या करना है, यही सबसे बड़ी बात है,
कैसे करेंगे? मैंने लिख दिया 5 को log 10 बटे 2। अरे वाह सर, आप तो खेल गए। मैंने 5 को लिख दिया 10 बटे 2, लिख सकता हूं यार, मुझे पता है 5 10 बटे 2 होता है। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, मैं क्या करूंगा, log 10 माइनस log 2। log m बाई n होता है तो log m और log n। अब यहां पे देखो कुछ नहीं दे रखा ना आधार, तो 10 होता है भाई, अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं ना, 10 होता है। और आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और log 2 का मान कितना है, 0.3010। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 0.6990। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 0.6990। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ सीखा, इसका यूज कैसे होता है वो समझ में आया? आया ना? तो वही थ्योरम है जिससे क्वेश्चन कराने से क्या होता है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी कि हाँ ऐसे होता है। क्लियर है? ऐसे होता है ये प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद है, आई होप आपको भी पसंद होगी। चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड। ये मिटा दिया मैंने। अगली लिखते जा रहे हो ना आप सब, नहीं लिख रहे हो तो वीडियो आपके सामने, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। अगर मैंने ये लिख दिया, अगर मैंने ये आपके सामने एक एक थ्योरम और लिख दी, log m और n। देखो log m और n है, अलग अलग आधार हैं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ये सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, m और n, बटे नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, तो सीधी सीधी बात है, ये क्या होता है पता है, log m अपॉन log n होता है। बहुत ही आसान थ्योरम है, इतनी सी आसान है, बहुत आसान है, समझ में आया? ऐसे है तो इसको log m और log n लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, चीजें लिखते जाना। और बस आज क्या काम करना है आपको, मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाला हूं आज, और कल भी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है ना? तो डेली 1 बजे क्लास होती है, आप सबको भली भांति पता है, डेली 1 बजे क्लास होती है, सब लोग आए है ना। कल मैं क्या कराऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। आज आपको करना क्या है, सिर्फ जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं ना, एक बार जरूर देख लेना, अगर ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो, लॉग समझना चाहते हो, गारंटी से कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है आपसे, बस करते जाओ, ठीक है, चलेगा। यहां तक समझ में आ गया? अब आपसे मैं कह दूं कि लॉग ये लिखा हुआ है, तो आप तो जानते हो ना इसको क्या लिखोगे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो लॉग 3 और लॉग 2, ये होती है बस। इसका काम क्या होता है आगे समझ में आ जाएगा, कि एक इसकी थ्योरम बनती है, एक इसकी थ्योरम बनती है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप खुद देना इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने आपके सामने ये लिख दिया, मैंने लिख दिया log b a गुणा log a b, इसका मान क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? चलो सब बताओ, ईमानदारी से बताना, समझ में आ गया ना तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, कोई गड़बड़ नहीं, सब चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ये बताओ मुझे इसका मान क्या होगा, और अगर इसका बता दिया ना तो आप हो गए सफल। सफल मतलब आपकी खुद तैयार हो गया एक फॉर्मूला अपने आप, बिना किसी दिक्कत के। चलो चलो जल्दी से बताओ, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे प्यार से। जी बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आपने आंसर दे दिया, ये बी ए है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, log b बटे log a गुणा log a बटे log b, ये log b से log b कट गया, log a से log a कट गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। और ये भी आपकी एक थ्योरम होती है कि अगर ऐसा हो जाए तो उसको 1/2 करके उल्टा कर सकते हो आप, ठीक है। तो उस थ्योरम का नाम क्या होता है, ये ध्यान से समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इससे आपका क्या सिद्ध हो गया पता है, कुछ चीज सिद्ध हो रही है, आपको पता लग रहा है, log b, log b और a हो, log a और b हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 upon log ba लिख सकते हो। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि जब 1 आ जाएगा इसके बराबर, 1 हो जाएगा तो इसका मान 1/2 ये हो जाएगा ना, तो ये भी आपकी एक थ्योरम बनती है। इसको लिख लेना, सारी चीज़ें लिख लेना, बस आप करके देखना अपने, ठीक है, चलेगा। अब एक सबसे ज़रूरी और बहुत ही शानदार चीज़ बताने वाला हूँ, संयम रखोगे अच्छे से समझ में आएगा, देखना। log
27 बटे 9 का मान बताओ मुझे, लॉग 27 बटे 9 का मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। किसी को नहीं आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन यहां से मैंने ये क्वेश्चन दिया है, मैंने ये क्वेश्चन दिया है आपको कि इसका मान क्या होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं जो बेसिक चीज है, जो हकीकत है इस लॉग की, वो आपके सामने आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है, चलिएगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा सर, जल्दी से बताओ, तरीका समझ लो, बहुत ही शानदार तरीका है। सर आपने तो हमसे कहा था, मैंने क्या देखा यार, ये भी 3 की पावर बन रहा है, ये भी 3 की पावर बन रहा है ना, तो मैंने 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, और 27 को लिख दिया मैंने 3 का क्यूब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक मेरे किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बताओ, यहां तक मेरे किसी भी भाई को दिक्कत है? जी बिल्कुल, गलत जवाब ना दें, ये वो थ्योरम नहीं बनेगी, लॉग 27 बटे लॉग 9, इसको काट थोड़ी ना सकते हो आप कि 9 * 27 हो जाएगा, गलत है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये थोड़ी नियम बताया मैंने आपको, कौन सा नियम बता दिया मैंने ऐसा? ठीक है, मैंने ऐसा कोई नियम नहीं बताया कि ये कट जाते हैं आपस में ऊपर नीचे, कोई नियम नहीं है। तो सोचो कि क्या आंसर होगा, यहां तक ठीक है ना, यहां तक क्लियर है ना आपको, यहां तक समझ में आ गया? तो आप जानते हो ना कि आप बैलेंस बिगड़ रहा है गाड़ी का, गाड़ी अच्छी खासी चल रही है लेकिन बैलेंस बिगड़ रहा है, कैसे? अरे इस 3 को तो यहां भेजो पहले, तो मैंने इस 3 को यहां भेज दिया, तो जो कह रहा है ये बोला कि यार क्यों ना हम दोनों एक बना लेते हैं, 3 3 एक होता है ना, 3 3 जब समान हो जाएंगे दोनों तो एक बन जाएगा। तो फिर बोले कि भाई इस 2 का क्या करोगी, ये ऊपर बैठा है आदमी, ये नीचे बैठा है, बोले इस 2 का क्या करोगी, बोले आगे भेज देते हैं। तो वो कहाँ आएगा, इसने कहा मैं तो बड़ा हूँ भाई, मैं नीचे जाऊँ, मैं तो ऊपर ही रहूँगा, तो 3/2 आपका आंसर आ जाएगा, और लॉग 3 और 3, बात समझ में आई? जो 3 3 था वो तो वहीं क्या वहीं रहा, ये वाली घात ऊपर आ गई और ये जो नीचे वाली है तो नीचे आ जाएगी, तो इसका ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2, 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस अब देखो प्यार से एक क्वेश्चन करोगे और उसका आंसर मैं नहीं आप दोगे, और मेरा वादा है आपसे कि अगर आगे से आप गलत कर जाओ तो इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको लॉग 27 और ये 9 और आधा, ये है अगला है लॉग आधार 27 और 9, इसका मान क्या होगा। चलो करो करो करो, तो फिर इस थ्योरम को मैं बताऊंगा, फिर लिख के भी बताऊंगा अभी कि कैसे लिखा जाता है, तो इस क्वेश्चन को कर दो आंसर आ जाएगा, बस नहीं आया टेंशन क्यों लेते हो, अरे मत लो टेंशन, ठीक है, अच्छा लग रहा है लाइक करते रहना बस, यूं मजे वाली बात है और चीजें समझ में आ रही हैं। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं लोग, लगभग आपकी सारी थ्योरम खत्म, ये वीडियो बहुत जरूर से देखना, अच्छा लग रहा है शेयर जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा सिलेबस खत्म करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है, चलिएगा। लो आंसर आ गए सबके, मैंने क्या देखा, मैं समझा रहा हूं दोबारा से, मैंने देखा यार ये मैं कर सकता हूं उसको 3 का स्क्वायर और ये 3 की घात 3 कर सकता हूं ना, माइनस ये मैं क्या कर सकता हूं लॉग 3 की घात 3 और 3 का स्क्वायर लिख दिया, गाड़ी बैलेंस और अनबैलेंस हो रही है, लॉग इतना नहीं झेल सकता, इसने बोला भाई हटाओ हटाओ, तो 3 ने बोला मैं तो आगे जा रहा हूं, फुदक के आगे चला गया, और इसने बोला भाई मैं नीचे वाला हूं तो नीचे चला जाता हूं, तो यहां आ जाएगा आपका 3/2 और यहां क्या बचेगा 3/2 लॉग 3 और 3 माइनस। अब इसने बोला कि मैं ऊपर हूं आज तो बेटा, अब मेरी बारी है तो मैं आगे आ जाऊंगा, तो 2 3 नीचे आ जाएगा 3 और ये क्या बन जाएगा लॉग 3 और 3, बचेगा कौन, 3 और 3 ही तो बचे बस, ठीक है ना, तो आपका ये तो हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो 3/2 माइनस 2/3 ये हो जाएगा आपका 3 * 9 2 * 2 = 4 9 में से माइनस हो रहा है 4 तो 5 और 3 * 2 = 6 तो 5/6 आपका आंसर आ जाएगा, 5/6 योर आंसर, गॉट इट मेरे भाई, गॉट इट मेरे भाइयों, किसी को कोई भी दिक्कत है जल्दी से बताएं। राकेश कुमार का आंसर, रोहित सैनी, समझ में आ रहा है ना, मुझे सब बताओ जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं अभी, दिल से बताओ क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, अब मजा आने वाला है। तो मैं इस थ्योरम को लिखने जा रहा हूं कि अगर मैं ये देख लेता हूं लॉग x की पावर b है और लॉग x की पावर a है,
तो अब खुद बताओ इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो आधार दोनों समान है ना, तीन तीन, इसलिए मैंने x को x लिया है और कुछ नहीं ले सकता, अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, यस पुनित गौतम, मैं पढ़ाऊंगा मेरे भाई, सब पढ़ाऊंगा, ठीक है, चलिएगा। सीख गए ना? हाँ, यही खुशी की बात है, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें, सिखाना तो है ही। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा भाई, ऊपर b है तो b, नीचे a है तो b बटे a, तो यही आपकी थ्योरम है, यही तो फंडा है। पहले क्वेश्चन करो फिर बाद में समझते हैं, ये काम तो हम अगर पहले समझते तो दिमाग खराब हो जाता आपका, कैसे आया ऐसे आता है, क्लियर है, चलेगा। बी बाई ए, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं आप सबके, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों को और मजे से पढ़ें, ठीक है ना। अब स्टार्ट करें अपने क्वेश्चंस, चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ, उम्मीद है आपके सही आंसर आएंगे सारे। तो ये पहला प्रश्न दे रहा हूं और आंसर देते जाना, लॉग 1000 प्लस लॉग, ठीक है, इसका मान दीजिए 5 b 7 c 6 d 8, इसका आंसर दीजिए, चलिए इस प्रश्न का आंसर दें, जल्दी से दें बिना किसी सोच समझ के, बिना नहीं सोचना ही नहीं है, अरे यार लॉग में कुछ नहीं दे रखा तो बेस 10 होता है, ये 10 की घात 3 है तो 3 आगे आ जाएगा, ये 10 की घात 4 है तो 4 आगे आ जाएगा, और 10 और 10 1 बन जाएगा, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये 3 + 4 आपका 7 आंसर है, बिना देखे कह सकता हूँ यार, बिना देखे कह सकता हूँ, ठीक है गाइज, तैयार हैं आप अगले क्वेश्चन के लिए, सेकंड्स में चीजें सीखोगे, चीजें बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बताया है, कोई डाउट नहीं आएगा, घर पे करके देखना, भरोसा दिलाता हूँ सब मजा आएगा। अब मैंने ये प्रश्न दे दिया आपको, लॉग 625 और 125 मान बताओ, चलो 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 बताओ, जल्दी से बताओ, मजा आएगा दोस्तों, गारंटी से बता रहा हूं, वही चीज है जो आप समझ चुके हो, बस अगर जिसको दिख गया वो खेल गया, जिसको नहीं दिखा वो अब दिख जाएगा, पेपर में खेल लेगा, तो दोनों ही चीजें आपके लिए अच्छी हैं, इसका आंसर दो और अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहो, उम्मीद है कि सबको पसंद आ रहा है, वीडियो आपके पास है, स्क्रीनशॉट की जरूरत भी नहीं है, वीडियो देख लेना दोबारा कोई डाउट हो तो, और नोट्स बना लेना घर पे बैठ के बाद में। आंसर 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 4/3, अखिलेश जी बिल्कुल, मोहित लीजिए, बहुत ही सुंदर 4/3, मोहम्मद जाहिद अंसारी का आंसर आ चुका है, अभिषेक यादव, पवन, विष्णु, ये बहुत अच्छी बात है, देखो कितना अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे खुद को फील हो रहा है कि आप सीख चुके हो। देखो क्या किया है मैंने, लॉग 625 को क्या लिख सकता हूं, 25 5 × 5 = 25, 25 625 होता है, तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 की घात 4, तो ये मेरा क्या है 5 की घात 4 है, और ये मेरा क्या है 5 की घात 3 है। लॉग x की पावर b, लॉग x की पावर a आ जाए, बैलेंस बिगड़ रहा है, तो 4 ऊपर है तो 4 आगे आ जाएगा, मतलब 4/3 आपका आंसर होगा, क्योंकि 5 और 5 तो 1 हो जाएगा ना, तो 4/3 ही आपका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों, मजा आ रहा है, जल्दी से बताओ, यस सर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, जल्दी से बताओ। अब चलें और क्वेश्चन करें, लीजिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, और याद रखना कल ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में आने की संभावना है, अब मजा आएगा। देखो यार मेरा मन नहीं कर रहा क्लास छोड़ने का, अब क्वेश्चन तो आपको करने ही है, ये आपको दे रहा है लॉग 10 625 प्लस लॉग 3 27। चलो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दो, ऑप्शन में दे रहा हूं 2a + 3, ऑप्शन बी 3a + 9, ऑप्शन सी 4a + 9, और ऑप्शन डी 4a + 3। करो दोस्तों ट्राई करो, कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, पुराना डायलॉग है लेकिन आज भी काम करता है। चलिएगा, ये आपको दे रखा है a, ये आपको दे रखा है a, इसका मान आपको निकालना है। चलिए 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 चलिए, बहुत अच्छी बात है, आंसर दो आंसर दो, छोड़ना नहीं है इसको, पहनाओ उसको जामा, जामा पहनाओ फटाफट से। मैंने अभी तो बताया था कि अगर 625 आपको दिख रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 4 और ये 10 है, प्लस लॉग इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 और ये 3 है नीचे, ठीक है। तो मेरा क्या कहना है, मेरा क्या कहना है, अरे यार ये बैलेंस खराब कर रहा है, 4 आगे ले आओ,
तो ये चार पूछा कोई नीचे भी है क्या, नीचे तो कुछ नहीं है, तो नीचे से कुछ नहीं आएगा, यहां से आपका चार आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा log 5 10 प्लस ये क्या है तीन आगे आ जाएगा तीन और log 3 और log 3 हो जाएगा आपका एक, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि log 5 और ये दे रखा है आपको a, दे रखा है ना a, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4a प्लस 3 आपका हंसते हंसते आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 4a प्लस 3। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, मजा आ रहा है ना, लोग आसान है ना, बिल्कुल आसान है, और भी क्वेश्चन कर पाओगे आप, चलो देखते हैं कर पाते हैं या नहीं, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, मजा आएगा गाइस, डेफिनेटली बता रहा हूं, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहे सब लोग, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन, लॉग ए स्क्वायर बी प्लस लॉग बी अपॉन ए स्क्वायर बराबर लॉग ए माइनस बी। तो आपको बताना है a बराबर b है, ऑप्शन नंबर b है, a माइनस बी बराबर एक है, ऑप्शन नंबर c है a प्लस बी बराबर एक, और ऑप्शन नंबर d है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक। चलिए आंसर दीजिए इस प्रश्न का, आंसर दीजिए, सब करवाऊंगा, सारी चैप्टर करवाऊंगा, लेकिन अभी लॉग पढ़ रहे हैं ना, तो लॉग पे ध्यान देते हैं। मैंने क्या बताया था वही चीज लगाओ, अच्छा लग रहा है लाइक करो सब। m अपॉन n, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log a स्क्वायर माइनस log b, प्लस का प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log m मतलब b माइनस log n a स्क्वायर, ठीक है। बराबर में क्या है, log a माइनस b। मेरे भाई प्यारे भाइयों, आपका आंसर भी आ चुका है, मैंने ये काट दिया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो मेरे सामने क्या सिचुएशन आ गई, log a माइनस बी बराबर जीरो आ गया। मैंने आपको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में, याद है किसी को, मेरे प्यारे दोस्तों, log एक हमेशा जीरो होता है, यही बताया था ना, log एक हमेशा जीरो होता है। अब यहां ये जीरो है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये वाला भाग एक होना चाहिए, जी बिल्कुल कह सकते हो सर, a माइनस बी बराबर एक होना चाहिए, तभी ये संभव है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। मैंने आपसे बोला था कि log एक बराबर जीरो होता है, तो यहां पे ये a क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी तभी पॉसिबल है, तो a माइनस बी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर एक कर दो, बस सिंपल सी बात है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, अच्छा लग रहा है लाइक करते रहें, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है और मैं लिखने वाला हूं, ठीक है, चलेगा। तो अगला क्वेश्चन करें और आंसर आना चाहिए सबका, ठीक है। log 1 अपॉन log बी ए गुणा 1 अपॉन log सी बी गुणा 1 अपॉन log ए सी। आंसर तो भैया a प्लस बी प्लस सी होगा, b a b c होगा, c जीरो होगा, d एक होगा, आंसर आएगा सबका, सबका आंसर आएगा, जी बिल्कुल। इकबाल अहमद कह रहे हैं कि सर नाम ले लो, जी बिल्कुल सबका लेते हैं। देखिए पढ़ना जरूरी है, अगर सीख गए तो दुनिया नाम लेगी आप सबका, ये मेरी वादा है आपसे, बस पढ़ते रहो और बस करते रहो अपना काम, ठीक है। और अच्छा लग रहा है, तो उम्मीद करूंगा कि लास्ट में आप सब लाइक करके जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सबका। क्या है ये वन अपॉन वाला केस, बी उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, आंसर आया मेरे पास किसी का, जी बिल्कुल, जी जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है, आंसर आ रहे हैं क्या, एक एक आंसर आ रहा है, पंकज का आंसर है, सतवीर जी बिल्कुल सही है, सिर्फ राम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुरली विक सर, चलिए कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जीरो नहीं आएगा दोस्त, कैसे, आपको मैंने बताया था कि log b अपॉन a हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ log एक बटे है ना, log a log b अपॉन log a, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा मेरा, क्योंकि एक बटे में है तो ये ऊपर चला जाता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, नीचे वाले को ऊपर लिख दूंगा सब में, log a बटे log b, कैसे लिखा पता है ना, इसको खोल दिया, गुणा log b ऊपर आ जाएगा अपॉन log c गुणा log c अपॉन log a। तो मेरे प्यारे दोस्तों,
लॉग सी से लॉग सी, लॉग ए से लॉग ए, लॉग बी से लॉग बी, सब कट गए, एक आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, वही मैं सब करा रहा हूं। चलता हूं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है लास्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर आपका, है बार बार हमें गुगली दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है कि आप सीख पाए ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, इसको आपको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है, ये प्रश्न आपको होमवर्क में करके लाना है। ऑप्शन में दे देता हूं आपको, एक बटे तीन, माइनस एक बटे तीन, तीन बटे दो और माइनस तीन बटे दो, ये आपको होमवर्क में करके लाना है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, ठीक है। तो चलिएगा गाइस, बताइए क्लास कैसी रही, लॉग का जो डर था वो खत्म हुआ ना, कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका भाग दूसरा, और इसमें हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। अब जो भी भाइयों को आप शेयर करो, कल करने वाले हैं भाग दूसरा, ठीक है, जो भी भाइयों को आप शेयर करोगे तो बस आप इतना कहना कि पहले वीडियो देख, दूसरे वीडियो में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉगरिथम, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, हाँ चलिएगा। तो गाइज आई होप आपको क्लास अच्छा लगा है, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली एक बजे क्लास होती है सोमवार से शुक्रवार, तो आप एक तरीके से अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो यहाँ करिए बिना पैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सब कुछ, ठीक है गाइज। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लॉक की टेंशन जो थी मैंने कहा था ना, सब टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा है। चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलता हूँ इसी समय 1 बजे, तैयार रहना आप भी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, चलिएगा, बाय बाय, सी यू सून।